हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी निम्न में से किस पर प्रदर्शित होगी? एट द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली, द टेबल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश विल शोकेस विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में राम मंदिर। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी, अयोध्या में आगामी राम मंदिर के साथ साथ मंदिर शहर से संबंधित संस्कृति, परंपरा और कला का प्रदर्शन करेगी। 2021 की झांकी का विषय अयोध्या सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश रखा गया है। यह अयोध्या में दीपोत्सव की झलक भी दिखाएगा और यूपी सरकार से भेजे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट 31 है। अगला प्रश्न है, भारत ने निकट पूर्व के शरणार्थी फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य अभिकरण को कितने अमेरिकी डॉलर लाखों में इसका योगदान दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। भारत ने निकट पूर्व के शरणार्थी फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य अभिकरण में $2 मिलियन का योगदान दिया है। फिलिस्तीन के राज्य के लिए भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार के द्वारा योगदान UNRWA को प्रस्तुत किया गया था और इस योगदान के साथ भारत ने एजेंसी को 2020 में कुल $5 मिलियन प्रदान किए हैं। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के 9,879.61 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है, जो कि यह 27 राज्यों के लिए मंजूरी दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के 9,879.61 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। इसमें 4,939.81 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के CM ने हाईटेक एग्रीकल्चर के अध्यक्ष डॉक्टर नागराज हेगड़े के द्वारा विकसित खाद्य बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया गया है? क्योंकि भूश्री और भूमित्र का अनावरण कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागराज हेगड़े के द्वारा विकसित खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र को अनावरण कर्नाटक के CM ने 12 दिसंबर 2020 को किया है। भूश्री मशीन कृषि अपशिष्ट का उपयोग जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए करती है, जिससे किसानों के द्वारा ढूंढ को जलने से रोका जा सकता है और 40 से 60 दिनों के बजाय मशीन खेत के कचरे को तुरंत जैविक खाद में बदल देती है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट
कैपिटल है बेंगलोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है वजूभाई वाला और चीफ मिनिस्टर B.S. येदुरप्पा है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आगामी आई लीग सीजन के लिए सत्य सागर को टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? सत्य सागर को चेन्नई सिटी FC ने नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। पूर्व चैंपियन चेन्नई सिटी FC ने सत्य सागर को आगामी आई लीग सीजन के लिए टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। क्लब के पूर्व सहायक कोच सत्य सागर सिंगापुर के अकबर नवाज की जगह लेते हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2019 में CCFC के साथ भाग लिया था। सत्य सागर के पास बहुत अनुभव है क्योंकि वह लगभग 26 वर्षों से कोचिंग से जुड़े हैं। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 48.25 बिलियन रुपए की डिस्प्ले फैक्ट्री लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहित देगा, जो कि यह वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 48.25 बिलियन रुपए की डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगा। सैमसंग चीन से राज्य में कारखाने को स्थानांतरित कर रहा है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, जिसमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है, जिसने सैमसंग जैसी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर विस्तार करने के लिए चालित किया है। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया था, आपका रिविजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करेगा? क्योंकि भारत ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर पहली बार भारत ईरान और उज्बेकिस्तान 14 दिसंबर 2020 को एक त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे और बंदरगाह का विकास भारत ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा तीन देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और यह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आप ये समझ गए होंगे, ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है करेंसी ईरानी रियाल और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और इसकी करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है, सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से हस्तकला और GI खिलौने को छूट दी है, आदेश किस महीने से लागू होगा? जो कि यह आदेश जनवरी 2021 से लागू होगा। सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से हस्तकला और GI खिलौने को छूट दे दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग DPIIT ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है और खिलौनों के मानकीकरण और गुणवत्ता के पालन के लिए विभाग के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है और यह आदेश 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। आप ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में कार्नेल विश्वविद्यालय के साथ किस राज्य ने समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि यह हस्ताक्षर महाराष्ट्र के राज्य के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने न्यूयॉर्क में कार्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नए उद्यमियों और नवीन स्टार्टअप के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में एक विश्व स्तरीय उद्भवन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की उपस्थिति में आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट 19 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूँ। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2020 युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील से गणितज्ञ को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित एक विकासशील देश के शोधकर्ताओं को ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के सहयोग से प्रदान किया जाता है। आप ये समझ गए होंगे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी आपके टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन किया कीजिए। अगला है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शिक्षक प्रशिक्षण और कुछ नया सिखाने का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है, जो कि यह बायजू के साथ हाथ मिलाया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शिक्षक प्रशिक्षण और कुछ नया सिखाने का समर्थन करने के लिए बायजू के साथ हाथ मिलाया है। यह स्किल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। बायजू ने बच्चों और युवाओं के लिए सीखने को आकर्षक, प्रभावी और व्यक्तिगत बनाने के लिए प्रमुख कौशल और डिजिटल उपकरणों के साथ शिक्षकों और प्रशिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार 2019 में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में किस स्थान पर आया है, जो कि भारत दूसरे स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पहली बार भारत 2019 में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट का परिणाम, जो 2018 से 2019 में 12% कम होकर $8.5 अरब हो गया और 2017 के बाद से यह 32% घट गया है। सर्वेक्षण में चिली को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर रहा है। आप ये रैंकिंग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में रैंकिंग से भी प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास के PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महाशरद डिजिटल मंच शुरुआत हुआ है। इन विच स्टेट हैज द महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टेड। दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल
और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।